Jika mau lari, aku akan bunuh kau semua! Maafkan aku. Aku tak sengaja. मूवी की शुरुआत में हम एक जगह की झलक को देख पाते हैं जहां पर कोई लेडी रो रही थी वहां पर काफी तबाही अफरा तफरी मची हुई थी और हम किसी लेडी की आवाज सुनते हैं जो कि किसी को याद करती है किसी प्यार की बात करती है और तभी हम एक रिचुअल को देख पाते हैं जिसके अंदर एक औरत बहुत ही भयानक काला जादू परफॉर्म कर रही थी और इस जगह के लोगों को कर्ज करती है और ये लेडी कौन है वो लेडी जो रो रही थी वो कौन थी यहाँ पर हुआ क्या है और ये जगह कौन सी है ये सब हम आगे जानेंगे खैर तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैट नाम की एक लड़की को जिसको मूवी के शुरुआत वाले विज़न आ रहे होते हैं हालांकि फिलहाल उसको पता नहीं होता कि वो सब क्या था और उसने कभी अपने विजन्स में कोई चीज पूरी नहीं देखी थी यानी कि वो कुछ कुछ झलकियां ही देख पा रही थी जिसके बाद में हम कैट के फ्रेंड्स को देखते हैं और वो सब वेकेशन पर एक आइलैंड पर जा रहे होते हैं इस ग्रुप के अंदर खुद कैट उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली उसकी दूसरी दोस्त यूस यूस का बॉयफ्रेंड डस डस का भाई काई और एक और फ्रेंड मार्क और यहाँ पर उनके साथ ट्रिप पर चलने के लिए लिली अपने कजन बैन को भी ले आई थी खैर अब वो लोग एक बोट करके एक हॉलीडे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यूस की स्टेप सिस्टर या भी अपने ग्रुप के साथ जाती है जो की यूस को अच्छा नहीं लगता वो दोनों एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं किया करते थे और उनकी आपस में थोड़ी बहस भी हो जाती है अब सभी लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं और कैट को अब कोई आवाज सुनाई देती है जिसके अंदर कोई आदमी किसी मौली नाम की लेडी को बुला रहा होता है और कहता है की वो कभी अलग नहीं होते कैट को तभी वहाँ पर संभालने के लिए लिली और यूस आती है और वो नॉर्मल हो जाती है अब हम काई और डस को देखते हैं जो की आपस में बात कर रहे होते हैं और काई असल में कैट को बहुत ज्यादा पसंद करता है जिसको वो प्रपोज करने की तैयारी में था और साथ ही साथ वो उसके लिए एक ब्रेसलेट भी लेकर आया था जिसे वो उसको दे नहीं पा रहा था क्योंकि कभी कभार लोग आसपास हुआ करते तो कभी बेन कैट से बात करता हुआ मिलता जो कि नॉर्मली उससे ही बात करता था लेकिन धीरे दीर धीरे को ये ना पसंद आने लगता है अब वो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी बेन सिगरेट पीने लगता है और हम उसके आस खड़ी हुई किसी लेडी की स्पिरिट को देख पाते हैं जो की उसे सिगरेट पीते हुए दुखी होती है और शॉकिंगली कैट भी उस स्पिरिट को देख पाती है हालांकि वो कुछ भी नहीं कहती और बेन भी कुछ फील करके सिगरेट नहीं पीता जिससे वो स्पिरिट काफी खुश होती है सीन में ये सभी लोग और याया का जो ग्रुप होता है वो अजान नाम के एक आदमी की बोट के जरिए दूसरे आइलैंड पर घूमने जाते हैं साथ ही साथ वहाँ पर कुछ वाटर एक्टिविटीज भी करते हैं खैर अब वो सभी लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं की तभी उनको एक आईलैंड दिखाई देता है जो की उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो लोग आजान से उन्हें वहाँ पर ले चलने को बोलते हैं लेकिन वो सीधा मना कर देता है ये कहते हुए कि वो एक है और वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता और ये एक रूल है जिस पर वो लोग उसे ज्यादा पैसे देने का लालच देते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और साफ मना कर देता है इवन वो उस आइलैंड के नाम से थोड़ा परेशान भी हो गया था अब वो लोग एक जगह पर रुककर डाइविंग करने लगता लगते हैं और सभी लोग काफी मस्ती कर रहे होते हैं तभी कैट उनसे अलग हो जाती है जिसे आगे पानी में नीचे बहुत सारे स्केलेटन दिखाई देते हैं जिनसे वो डर जाती है और अब उसको वहाँ पर वही सब रिचुअल्स मरते हुए लोग और किसी तबाही के आने लगते हैं और अब वो बेहोश हो जाती है अब काई ऊपर आता है जिसको सब बताते हैं की कैट ऊपर नहीं आ रही है और वो उसे वापस लेने पानी में चला जाता है और अजान अपने बोट अटेंडर एडी के साथ पानी में जाता है कैट को वापस लाने के लिए और उसकी परेशानी देख हम समझ पाते हैं की इस जगह पर कुछ तो गलत है अब वो लोग कैट को वापस ले आते हैं जिसको होश आता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान और डरी हुई थी जिसको वो लोग संभालते हैं अब वापस आकर अजान उन्हें उस डेजर्टेड आइलैंड के बारे में बताता है की यहाँ पर हर आईलैंड का उसका खुद का कोई ना कोई अर्बन लेजेंड है लेकिन उस एक आईलैंड की कहानी काफी अलग है जहाँ पर दो साल पहले एक लेडी ने उस आईलैंड पर कर्ज छोड़ा था यानी की उसको शापित कर दिया था और इस कर्ज ने वहाँ पर रहने वाले सबकी जान ले ली और तो और जो भी लोग मारे गए उनकी बॉडीज तक कभी किसी को नहीं मिली इनफेक्ट अभी भी माना जाता है कि उस आइलैंड के ऊपर पर वो कर्ज अभी भी जारी है तो उससे सभी को दूर रहना चाहिए और आज जो हुआ वो एक वार्निंग की तरह ही वो लोग माने अब अजान ये सब बताकर वहाँ से निकल जाता है लेकिन ये लोग यंगस्टर्स तो इनको अभी भी इन सब चीजों पर यकीन नहीं होता और वो लोग उसी आइलैंड के बारे में बात करने लगते हैं यहाँ पर याया का भी ग्रुप था तो वो लोग उन्हें चढ़ाने लगते हैं उनको डरपोक कहते हुए और अब उनके बीच एक बेट लगती है जहाँ पर जो भी हारेगा उसको उसकी टीम के साथ उस आईलैंड पर एक रात बितानी होगी जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं अब उस बेट में कैट को कुछ विजन आने लगते है और की टीम ये बैठ हार जाती है और अब उन्हें उस आईलैंड पर जाना पड़ेगा यानी कि इस शापित आईलैंड अब कैट को भी और कुछ हॉन्टेड आते हैं जिसके अंदर वो ब्लड से भीगी हुई थी और पूरी तरह अकेली रो रही थी अगले दिन सभी लोग तैयार होते हैं एज उन्हें उस आईलैंड जाना था और कैट लिली से बात करते हुए कहती है कि शायद वो जिन विजन्स को देखती है वो उस आइलैंड के ही हैं। लेकिन लिली ये कहती है कि शायद से अजहान की कहानी की वजह से उसको ऐसा लगने लगा होगा और वो उसको चिलअप करती है अब याया की टीम के लोग उन लोगों को उस आइलैंड पर छोड़कर वापस चले आते हैं और अब उन लोगों को यहाँ पर एक पूरी रात बितानी थी अब वो लोग आईलैंड के जंगल में घूमने लगते हैं जिन्हें घूमते हुए एक विलेज मिलता है जिसके गेट पर ही कुछ थोड़े अजीब से स्टैचूज थे और यहाँ पर एक बाउंड्री जैसी रस्सी बंधी हुई थी जो की जाते हैं और कैट बैन के साथ यहाँ वहाँ पर बने हुए घर को देखने लगती है और यहाँ पर जितने भी घर थे उन सब पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था जो कि उन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है अब कुछ लोग उन स्टैचूज के साथ मजाक करने लगते हैं जिस पर कैट उनको रोकती है और गुस्सा करती है की ऐसा नहीं करना चाहिए खर अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और काय बोलता है कि यहाँ पर एक बड़ा सा घर है जिसके अंदर वो सब लोग सो सकते हैं तो वो लोग रात में वहीं पर सो जाएंगे और ये कैंपिंग से बेटर ही होगा जिस पर सभी एग्री करते हैं सभी लोग अब उस घर को साफ कर कर वहीं सो जाते हैं लेकिन हम घर के बाहर किसी चीज को फील कर पाते हैं जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो अब रात को बेन को कुछ आवाज आती है और वो यहाँ वहाँ चेक करके वापस सो जाता है अब कैट को भी कुछ आवाज़ आती है तो वो जागती है तो सभी लोग ट्रांस जैसी स्टेट में बैठे हुए थे और फिर वापस लेट जाते हैं तभी कैट को किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है और वो बाहर उस आवाज का पीछा करते हुए जाती है थोड़ी ही दूर जाने पर उसको विजन आते हैं जिसके अंदर एक औरत किसी आदमी को पकड़कर रो रही थी और वो आदमी मर चुका था और उनके आसपास गांव के सभी लोग थे और वो लोग उस आदमी को वहीं पर गाड़ देते हैं उनका लीडर बोलता है की आज यहाँ क्या हुआ आज के बाद सभी लोग भूल जाएंगे और अब हम उस लेडी को देखते हैं जो की अब किसी केव में थी और एक बहुत ही भयानक रिचुअल करके काला जादू परफॉर्म कर रही थी और जो झलक हमने शुरुआत में देखी थी वो कर्स वाली वो इसी सीन की थी यानी कि इस लेडी के साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ था जिसके चलते उसने ऐसा कर दिया अब कैट जागती है तो वो उसी घर में अपने ग्रुप के पास ही थी लेकिन थोड़ी परेशान थी खैर अब वो लोग वहाँ से निकलने के लिए बीच पर आते हैं और लिली कैट और बैन के साथ बैठी हुई थी जो की अपना फोन देखती है तो उसके अंदर उन सब की आखिरी नाइट की सोते टाइम की फोटो थी और ये वो कैट और बैन को दिखाती है और वो तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं की आखिर ये फोटो किसने ली होगी लेकिन कैट अभी ये बात सबसे छुपाने को बोलती है ऐसे सब पैनिक करने लगते अब असल में शर्त के अनुसार एक रात बिताने के बाद याया के दोस्तों को यहाँ पर आना था बोट लेकर लेकिन वो लोग आते ही नहीं और शाम हो जाती है जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं अब कुछ लोग वापस उसी विलेज में रुकने का बोलते हैं तो कुछ लोग उसके खिलाफ थे लेकिन वोट यहाँ पर रुकने के लिए ज्यादा होते हैं तो वो लोग वापस वहीं पर रुकने के लिए निकल जाते हैं इधर याया और उसके फ्रेंड्स बात कर रहे थे उन्होंने कैट और उसके ग्रुप को अच्छा प्रैंक कर दिया और वो उन्हें कल पिक कर लेंगे और ये बात आजान सुन लेता है अब वो उन लोगों से पूछता है कि उन्होंने उस ग्रुप को असल में छोड़ा कहाँ पर था और वो लोग सच बताते हैं कि वो उस शापित आइलैंड पर हैं जिसके चलते वो उन पर बहुत गुस्सा करता है और उस ग्रुप को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगता जिसके चलते वो उनको एक वॉइस मेल छोड़ता है की इस आईलैंड के जंगल में उनको एक विलेज मिलेगा और उन्हें उस विलेज से ही दूर रहना है क्यूँकी वहाँ पर ब्लैक मैजिक से शापित एक क्रीचर ने सबको मार दिया था हालांकि अब काफी देर हो चुकी है क्यूँकी वो लोग विलेज के अंदर पहुँच चुके थे और वहाँ पर रह भी रहे थे यानी की अब हम समझ चुके हैं की वहाँ पर वो फोटो किसने ली थी और आसपास उनको किसकी प्रेजेंस महसूस हुई थी अब हम इन लोगों को देखते हैं जो कि अलग घर में सोते हैं और रात को सबके सोने के बाद में यूज के साथ बाहर घूमने निकल जाता है और वो लोग एक जगह इंटीमेट होते हैं और यहाँ पर कोई ग्रेवी बनी हुई थी जिस पर डर्स कर देता है और अब हमें केव के अंदर एक विच को जागता हुआ देख पाते हैं और ये विच पिछले सीन की वही लेडी है जिसने रिचुअल किया था अब वो दो साल से सोई हुई थी और जब जब यहाँ पर कोई आता था वो उन्हें अपना शिकार बनाती थी और तभी वो डर्स को अपने साथ खींच कर कहीं पर ले जाती है जिसके बाद में हम कैट को देखते हैं जिसको वही नाइट में रहता है जिसके अंदर इस बार वो बेच सभी गाँव वालों पर अटैक करके उन्हें एक एक करके मार रही थी अब अचानक से ही कैट की नींद खुल जाती है जिसको बेन संभालता है और वो उसे अपने विजन के बारे में बोलती है और कहती है की शायद उसे यहाँ पर लाया गया है किसी साइन के जरिए और उसके पास एक सिक्स सेंस है जिसके अंदर वो डेड को देख सकती है और इस दिन उसने बेन के पास एक लेडी को देखा था और बेन अपनी मदर की पिक्चर दिखाता है जिस पर वो कंफर्म करती है कि उसने उन्हीं को उस रात देखा था और बेन थोड़ा सा शॉकड हो जाता है ऑल दो वो उसकी बात पर पूरी तरह यकीन भी कर रहा था और अब समझ में आया कि वो बैन को देखकर सिगरेट देखकर क्यों दुखी हो गई थी और जैसे ही बैन ने सिगरेट फेंक दी वो खुश की हुई अब तभी वहाँ पर यूस भागते हुए आती है और उन सबको डस के बारे में बताती है की उसको कोई खींच कर ले गया खैर अब वो सभी उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उस जगह को चेक करते हैं आस पास डस्ट को ढूंढते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता अब वो सभी वापस अपने बेस पर आते हैं और काई अपने भाई के जाने से बहुत दुखी था और परेशान था जिससे वो किसी भी हालत में ढूंढने की कोशिश करता रहेगा तभी हम डस को देखते हैं जो कि उसी विच की केव में था और वो विच उसे खत्म करके उसका खून पीकर खुद को पावरफुल करने लगती है अगली सुबह काय सबको अलग अलग होकर ढूंढने का बोलता है जिस पर कैट उसे कहती है कि उन्हें साथ रहकर ही उसको ढूंढना चाहिए अब सभी लोग डस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और मार्ग बेस पर ही रुकता है और सबके जाने के बाद में वो विच आकर उसको भी खत्म कर देती है यहाँ पर वो सभी लोग बहुत देर तक ढूंढते हैं लेकिन डस कहीं पर भी नहीं मिलता और वापस बेस पर आने पर वो वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ देखते हैं और मार्ग गायब था जिससे वो लोग और परेशान हो जाते हैं खैर इसके बाद में वो सभी डिसाइड करते हैं की वो वापस बीच पर जाएंगे जहाँ पर उन्हें लेने के लिए वो लोग तो आएंगे ही यानी कि याया का ग्रुप और हम देखते हैं कि वहाँ पर अजान के साथ वो लोग उन्हें लेने आ रहे होते हैं लेकिन पहले तो उनकी बोट खराब होती है और उसके बाद में वो बोट किनारे तक आ जाती है जिससे ये लोग खुश तो होते हैं लेकिन वो विच अपने शिकार को आसानी से नहीं जाने देने वाली थी तो वो बोट ब्लास्ट हो जाती है और उसके अंदर बैठे हुए सभी लोग खत्म हो जाते हैं अब कैट का जो ग्रुप होता है ये सब देख बहुत परेशान हो जाता है और वो लोग अजान का वॉइस नोट भी सुनते हैं जिसके अंदर उसने आयलेंट के बारे में बताया था तो असल में यहाँ पर एक एकविल थी जिसने की ब्लैक मैजिक से पदस होकर सभी गांव वालों पर अटैक कर दिया था और सबको मारने लगी थी और ऐसा ही कुछ कैट ने अपने विजन्स के अंदर भी देखा था अब उस विच को रोकने के लिए एक शेमन आता है जो की उसे आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था क्यूँकी वो विच बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी तो शेमन ने खुद का सेक्रीफाइस किया और विलेज की एंट्री पर लगे हुए स्टैचूज पर स्पेल कास्ट किया था और विलेज को सील कर दिया था जिससे वो विच वहीं तक सीमित रह पाई थी और इन लोगों ने बेवकूफी कर कर उसके अंदर ही एंटर कर लिया खैर अब कैट बोलती है कि उसने यही सब अपने विजन्स के अंदर देखा था और उन्हें कर्ज को खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा तभी वो लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे अब वो लोग जंगल में जाते हैं उसी विलेज की एंट्री को फिर से सील करते हैं और कैट ने अपने के अंदर एक ग्रेव ग्रेव को को देखा था तो वो लोग उसी ढूंढते हैं और ये ग्रेव उस आदमी की थी जिसके मरने पर वो लेडी रो रही थी कैट उस ग्रेव में मिले स्केलेटन को टच करती है तो अब उसको और विजन आते हैं तो असल में ये विच कोई विच नहीं थी बल्कि इसका असली नाम तो मौली था और एक दिन यहाँ पर एक आउटसाइडर चांद आता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं साथ रहने लगते हैं मौली चांद के साथ बहुत खुश थी तभी एक दिन गांव वाले आते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं कि यहाँ पर आउटसाइडर के साथ रहना रिश्ता रखना बहुत ही ज्यादा गलत है और बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है और वो लोग चांद को पीट पीट कर मार डालते हैं जिससे मौली पूरी तरह टूट जाती है और फिर वो एक केव में जाकर वहाँ पर रिचुअल और ब्लैक मैजिक करती है तो आपको समझ में आया होगा की शुरुआत में यही सीन था जो लेडी रो रही थी वो मौली थी और जो आदमी मारा गया था वो चांद था और ऐसे ही यहाँ पर ब्लैक मैजिक करके वो बहुत ही पावरफुल विच बनकर उन सभी पर श्राप डाल देती है और अपने बदले के उनको मारने लगती है साथ ही साथ उसका ये जो कर्ज होता है वो उन लोगों को भी मार रहा था जो की सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे अब कैट सबको इसके बारे में बताती है जो उसने देखा था और वो कहती है उन्हें तक जाना चाहिए वही से सब कुछ ठीक होगा अब वो लोग उस केव को ढूंढने लगते हैं और उन पर मौली विच पूरी तरह नजर रख रही थी और एक रिवर को पार करते वक्त वो बैन पर अटैक करती है लेकिन वो उससे खुद को बचाता है और वो लिली को अपने साथ ले जाती है अब यहाँ पर सिर्फ चार ही लोग बचे थे और वो लिली के जाने से बहुत दुखी थे रात हो चुकी थी तो वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और का करने लगता है और उसके बाद बेन रेस्ट कर लेगा जब तक वो पहरीदारी करेगा अब कैट और बेन आपस में बात करने लगते हैं जो कि लिली के जाने से बहुत ज्यादा दुखी थे और एक दूसरे को संभालते हैं तभी बेन को उसकी मदर के बुलाने की आवाज आने लगती है और वो उस आवाज का पीछा करके अपनी मदर की स्पिरिट से मिलता है जो कि उसे अपने पास बुलाती है लेकिन वो कहती है कि उसके हाथ में जो हैंडमेड स्पीयर है उसमें कुछ मिस्टिकल पावर्स है तो वो उसको दूर फेंक दे अब बेन उनकी बात मान ही लेता है लेकिन तभी कैट वहाँ पर आकर उसको समझाती है की ये उसकी माँ नहीं है अब वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो बेन की मदर थी ही नहीं असल में वो तो विश थी जो की वहाँ से चली जाती है लेकिन युस को अपने साथ ले जाती है अब वो सिर्फ तीन ही लोग बचे थे और अब काई और बेन की आपस में थोड़ी बहस होने लगती है जिनको यहाँ पर कैट समझाने लगती है की उन्हें लड़ना नहीं चाहिए और उन लोगों को वो केव भी मिल जाती है अब वो लोग उस केव के अंदर जाते हैं जहाँ पर वेच यूस को खत्म कर देती है और उन पर अटैक करती है वो लोग उसे लड़ने की कोशिश करते हैं और अब कैट को कुछ और विजन आते हैं और वो वहां पर रखे हुए एक एक बॉक्स को ओपन करती है जिसके अंदर डॉल थी और उसको टच करते ही उसे बाकी की कहानी का भी पता चल जाता है कि मौली असल में प्रेग्नेंट हो गई थी और गांव वालों ने उसके पति को तो मारा ही था साथ ही साथ ही उसका थाज भी करवा दिया था और ये जो कर्ज था ना वो मौली ने अपने ही बच्चे के लिए उन सभी पर डाल दिया था अगर वो बच्चा नहीं मरता तो शायद वो इस रास्ते पर कभी आती ही नहीं अब कैट उस डॉल को लेकर वहाँ से भागती है और वो विच उसके पीछे आने लगती है जिसको बेन और काई रोकते हैं और अब वो विच कैट के आखिरी दोस्तों को भी खत्म करके उसके पीछे लग जाती है अब कैट एक घर तक पहुंचती है और यही मौली चांद के साथ रहा करती थी और कैट को उन लोगों के पूरे मोमेंट्स दिख जाते हैं और जब विच यहाँ पर आती है तो कैट उसको रोकती है और समझाने लगती है और वो बातें बोलती है कि जो चांद बोला करता था जिससे की मौली उसकी बात सुनती है और ऐसा इसलिए था क्यूँकी यहाँ पर वो सब कुछ फील कर पा रही थी कैट के पास में शक्ति थी अब कैट मौली से कहती है की उसने अपने हेटरेट के चलते उस बच्चे की अच्छी यादों को अपने अंदर कैद करके रखा हुआ है और उसने कैट ट के दोस्तों को खत्म कर दिया जिनकी कोई भी गलती नहीं थी अब मॉली उसकी बात समझ लेती है और उससे उस डॉल को लेकर कैट को पानी में धकेल देती है और अपने कर्ज को वापस लेकर उसको खत्म कर देती है और खुद भी आफ्टर लाइफ में चली जाती है यानी की डॉल को खत्म कर देती है अब कैट जो की पानी में डूब रही थी सडनली उसे एक हाथ आकर बचा लेता है और असल में मौली ने उसे उसी वक्त पर भेज दिया था जब वो पहली बार डाइविंग के दौरान बेहोश हो गई थी और अब कैट बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके दोस्त जिंदा थे और अब मूवी के एंडिंग सीन को देख पाते हैं जहां पर मौली और चांद के प्रेसियस मोमेंट्स को देखा जाता है जहाँ पर वो पहली बार कैसे मिले थे इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों ये थी पुआ मूवी कहानी जो कि एक मलेशियन हॉरर मूवी है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना